हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करना, ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो गाइस डंकी, जी हाँ दोस्तों, हालांकि आपको बता दूँ कि डंकी 21 दिसंबर को रिलीज है दोस्तों, लेकिन उससे पहले इसके रिव्यूज़ आने लगे हैं दोस्तों। हालांकि आपको बता दूँ कि एक है हमारे जो प्यारे चीचा जी हैं, हमारे प्यारे अंकल जी हैं, अपने थंबनेल में तो उनका फ़ोटो देख ही लिया है। तो चलिए, उनका रिव्यू आ गया है डंकी पे। उनका कहना है कि उनकी जब शाहरुख खान की कोई भी मूवी आती है ना, तो 20 से 25 दिन पहले उनको रिव्यूज़ आ जाते हैं, मतलब कि अंदर की खबर मिल जाती है। तो उनके हिसाब से जो अंदर की खबर आई है उनको, तो उनके हिसाब से ये डंकी मूवी कैसी है उसमें हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा खुद की ओपिनियन नहीं है दोस्तों, ये उनकी ओपिनियन है, तो जाहिर सी बात है, और उनके पर्सनल ओपिनियन नहीं है, उनको कोई और बताया है। तो यार, अब अंदर की खबर आई है, बोले तो बॉलीवुड के गलियारों से खबर आई है कि डंकी मूवी जो है ना भाई, वो फुल बंडल मूवी है, डब्बा मूवी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे जो क्रिटिक ऑफ मासेस हैं वो बोल रहे हैं कि ये मूवी जो है वो एकदम बंडल है, डब्बा मूवी है। दोस्तों, उन्होंने बताया था कि पठान मूवी उन्होंने 20 से 25 दिन पहले रिव्यू कर दिया था, बोले तो सुपर हिट। जवान मूवी को भी लेकर उन्होंने यही कहा कि 20 से 25 दिन पहले रिव्यू किया था उन्होंने, वो भी सुपर हिट, और दोनों बॉक्स ऑफिस अच्छी खासी चली दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उनके हिसाब से तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, डाउटफुल हो रहा है यार, कि डंकी मूवी कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये मूवी 19-20 तो होने वाली है दोस्तों। क्योंकि यार, इसके जो टीज़र आया था ना, बोले तो ड्रॉप वन, वो उतना इंटरेस्टिंग पैदा नहीं कर पाई और वो हाइप नहीं पैदा कर पाई। जो पठान टीज़र, जवान प्रीव्यू आया था, वो जो हाइप क्रिएट किया था ना भाई ऑडियंस के बीच, वो हाइप नहीं बना पाई है भाई। और उसके बाद लूट फूट गया, ये जो सॉन्ग आया, मतलब पता ही नहीं चल रहा भाई किधर फेंकाया गया वो सॉन्ग, लिटरली यार, मतलब कि कोई सुन भी नहीं रहा है। पता नहीं यार, व्यूज अच्छे खासे आए, लेकिन वो जो होता ना एक होंठों पे गुनगुनाना, वो चीज़ नहीं देखने को मिला दोस्तों। जिस तरीके से पठान का सॉन्ग आया था, वो बेसरम रंग, मतलब कि लोगों के जुबान पे ना गुनगुनाते हुए दिख रहा था वो। और उसके बाद जवान का जो सॉन्ग आया था यार, रामैया, ओ माय गॉड, वो गुजबम सॉन्ग था। तो गाइस, यहाँ तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं मैं उनकी बातों से थोड़ा सा तो सहमत हूँ, मतलब कि 50-50 मैं भी यकीन कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। देखो यार, मूवी क्लेश होने वाली थी, आपको पता ही है, हमारे बाजू में है सलार भाई, देखो प्रभास, तो इनके मूवी के साथ 22 तारीख को क्लेश होने वाली थी, बट इन्होंने डिसीजन लिया कि हमें एक दिन पहले आएंगे, तो 21 तारीख को ही आ रही है, 22 तारीख को ही आ रही है। देखो, अभी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों, ऑडियंस माय बाप है, ऑडियंस को अच्छी लग गई मूवी तो सुपर क्या ब्लॉकबस्टर, और अगर ऑडियंस को मूवी अच्छी नहीं लगी, सुपर हिट तो छोड़ो, हिट तो छोड़ो, डायरेक्ट डिजास्टर। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस ये डिसाइड हम करेंगे दोस्तों 21 तारीख को कि मूवी बॉक्स ऑफिस पे क्या परफॉर्म करती है, ये 21 तारीख को ही हम बता सकते हैं दोस्तों। हालांकि रिव्यूज़ तो आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देने का दोस्तों। मूवी आएगी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखो या सेकेंड डे फर्स्ट शो, मतलब कभी भी देखो आप, लेकिन मूवी देख के ही अपनी खुद की ओपिनियन रखो दोस्तों। मैं यही बोलूँगा, मैं नेगेटिव फैला नहीं रहा भाई, मैं उनकी राय बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं यही बोलूँगा कि उनके रिव्यू पर मत जाओ या मेरे रिव्यू पर मत जाओ, आप खुद से जाओ एक बार देखने मूवी। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो तो ऑफकोर्स आप जाओगे ही। तो यार, मैं यही बोलूँगा 21 तारीख को मूवी देखो, प्यार दो, बस खुशियाँ बांटो, बस यही बोलूँगा दोस्तों। तो बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।